अपनी समृद्ध हरियाली और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। समय के साथ बढ़ता हुआ औद्योगिकीकरण और जमीन में अधिक उपज करने का प्रयास, इनका पर्यावरण पर बहुत बुरा असर हो रहा है। समय पर इसे नियंत्रित ना करें तो भारत वायु प्रदूषण में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे प्रदूषित देशों में गिना जाएगा। ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2016 में दूषित हवा के कारण लगभग 1,20,000 लोगों की मृत्यु दर्ज कराई गई, जो कि एक बड़ी संख्या है। पर्यावरण की इस स्थिति के कारणों में सबसे बड़ा एक कारण है फसलों के अवशेषों को जलाना। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान पीढ़ी दर पीढ़ी अगली फसलों के लिए इस प्रक्रिया पर निर्भर होता आ रहा है। जमीन को अनुकूल बनाने के लिए उपयुक्त विकल्प न होने के कारण फसलों के अवशेषों को जलाता आ रहा है। फसल के अवशेषों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य कण हवा में फैलते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इतना ही नहीं, इसके कारण मिट्टी के प्राकृतिक पोषक तत्व सूक्ष्म कीटाणु खत्म हो जाते हैं, जो कि जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। इस समस्या का समाधान है मास्कियो गास्पार्दो का उपकरण मल्चर कियारा। मास्कियो गास्पार्दो कृषि उपकरण बनाने की एक सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, जो पिछले 6 दशकों से कृषि क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती आई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज 100 से भी अधिक देशों में मास्कियो गास्पार्दो अपना स्थान बना चुकी है। मास्कियो गास्पार्दो हमेशा से देश के किसान भाइयों के हाथ मजबूत करते आ रहे हैं। खेती की हर समस्या को समझकर उनके उपयुक्त उपकरणों को लाने में हमेशा प्रयास करते आए हैं। कियारा की विशेषताएं। कियारा से निकले हुए अवशेषों के टुकड़े जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, फसलों की उपज में बढ़ोतरी होती है, जमीन की ऊपरी परत को जलने से बचाता है, फसलों के लिए अति आवश्यक एवं सूक्ष्म कीटाणुओं को जलने से बचाता है, वातावरण प्रदूषित होने से रोकता है। गन्ना, गेहूं, चावल आदि फसलों के अवशेषों को काटने में सक्षम है। मेरा नाम मनीषा विलसुर सिंह, जिसकी तरनतारन, तहसील पट्टी। साढ़े झोना कटने तो बाद ये वास्ते कोई हल नहीं है अपने को, पराली नू खेत में नपन वास्ते सानू अग लानी पैंदी सी, जिदे करके साडे मित्र कीड़े सारे नष्ट हो जाते सीगे, तो प्रदूषण भी बहुत खराब हुंदा। इस करके मैचियो ने मल्चर आया बहुत वधिया है, तो असी पिछले साल तो लिया जी, तो 100 एकड़ च मैं फेरिया, उस तो बाद मैं पलाओ करके मल्चर करके मैं आलू की खेती भी की, मटर की कीती आ, कणक की भी की। उस मैनू कणक से काफ़ी वाधा मिलया, कणक का झाड़ करके 26 क्विंटल तो प्लस आया मेरा जी, तो बहुत वधिया चीज़ है मल्चर जिमीदारा वास्ते। मैचियो क्यारा मल्चर बहुत वधिया है। सत श्री अकाल जी, मेरे सारे किसान भरा जी, बेनती आ गए सरकार ने दसा जी अग नहीं लाउणी, अज तो बाद बड़ा सानू हैगा भी इन्नी पराली कित्थे सांभांगे जी। आ मास्कियो कल्चर कंपनी वाले आए ही ना, सानू मशीन चला के विखाई सी,
तो अं बाद कणक की भी खेती की। सानू लोग आते ही कि नहीं इन्नी पराली आ कि कीड़े इतना, पर नहीं साड़ी कणक का भी झाड़ बहुत वधिया रहा वा, कणक का भी झाड़ बहुत वधिया रहा, 20 to 26 क्विंटल तक झाड़ वधिया आया ही। सानू मशीन बहुत वधिया आई, साडे पिंड एरकी इलाके सारे लोगों ने मशीन बहुत पसंद किया वा। मैं पिंड मजीठा जिला अमृतसर का रहने वाला हाँ। असी झोने तो बाद पराली नूं साड़न लई कई यतन करदे सी, उहनूं साड़न नाल साडे एक ते प्रदूषण हुंदा सी, दूसरा जीव जंतु भी सड़दे सी। हुण उहनूं सुलझाउण लई सानूं मैचिया कैरा मैक्चर मिलिया, जिहनूं मैं 1 साल तो यूज़ करदा पिया वां। उहनूं यूज़ करन नाल एक ते समां भी बचदा है, दूसरा पैसे की बचत भी हुंदी है, तीसरा उहदे नाल पैली भी बहुत वधिया बनदी है। मेरा कणक झोने का झाड़ भी अगे ना बहुत वधिया आया है, कि मैं सारे भी जिन्हें भी किसान वीर भरा वा उन्होंने यही अपील करता है कि तुम भी यो ही मैच्यू कैरा मैक्चर यूज करो। लगातार गिरते हुए पर्यावरण को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अवशेष प्रबंधन के लिए श्रेडिंग सबसे बेहतर तरीका है। और कृषि मशीनरी के क्षेत्र में मास्क्यो गास्पार्दो की व्यापक विशेषज्ञता को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगली फसल के पहले जमीन को समय से पहले और कुशलता से सिद्ध करने में मास्क्यो गास्पार्दो का मल्चर आपका आदर्श साझीदार हो सकता है। मास्क्यो गास्पार्दो, एक नए कल की सोच।